फ्लड का वजह से ये ना तीस्ता बहुत सारा मतलब ये जो पानी है आपको दिख रहा है ये बहुत गंदा हो गया अभी। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई अनदर ब्लॉग। और आज सुबह स्टार्ट हो गया सिक्किम से, मतलब गैंगटॉक से, और यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं। देखते हैं कहाँ जाया जाए, क्योंकि एक दिक्कत आ गई हम लोगों का बहुत बड़ा कि मोस्ट जो जगह है वो अपने कार से हम नहीं जा सकते हैं, जैसे कि जीरो पॉइंट हो गया, जैसे कि मतलब वो लाचुंग हो गया, यमथंग वैली हो गया, वो सब जगह हम अपना कार से नहीं जा सकते। तो बेसिक प्रॉब्लम क्या है ना, अभी यहाँ पे कार रेंट करना पड़ेगा, उसके लिए भी एक दिन रुकना पड़ेगा, परमिशन करवाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर हम जा सकते हैं। तो हमने वो छोड़ दिए भाई, ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने का। ये जो रास्ता है ये सिक्किम जो गैंगटॉक सिटी है सिक्किम का, वहाँ से निकलने का भाई मेन एग्जिट है। और आप देख सकते हो अभी कितना ट्रैफिक है इधर। सुबह से ना आदमी का यहाँ चालू हो जाता है अपना काम, और यहाँ पे हर एक जगह मतलब कहीं भी आपको जाना हो, सिर्फ सिटी का जो साइट सीन है, साइट सीन छोड़ के हर एक जगह पे आपको यहाँ पे आके भाई गाड़ी लेना पड़ेगा और परमिशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप अपना गाड़ी से कहीं भी नहीं जा सकते हो। ये चीज़ मेरे को मालूम नहीं था, पर अभी मालूम चल गया। शायद कुछ साल पहले या 2-3 साल पहले जाने देता था, लेकिन फ़िलहाल जो सिचुएशन है हर जगह अपना गाड़ी से तुम नहीं जा सकते हो, मतलब सिर्फ लोकल साइट सीन छोड़ के सिटी का। बाकी तो सब ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं कि किधर जाना हम लोग का सूटेबल रहता है। और कालिंपोंग का हम लोग सोच रहे हैं, अगर वो नहीं होगा तो फिर दूसरा लोकेशन जाएंगे। अल्टीमेट जहाँ भी जाएंगे आप लोगों को दिख जाएगा कहाँ जा रहे हैं। गाड़ी का फ्यूल अभी फुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, अभी फ्यूल भी नहीं भराना है भाई। एडब्लू का तो कोई सीन है नहीं, क्योंकि एडब्लू का एक डब्बा ना मैंने लेके रखा है। तो अभी हम लोग रेडियो के निकल गए, होटल्स में ब्रेकफास्ट किए नहीं क्योंकि वहाँ पे मतलब कुछ अच्छा लगा नहीं खाने के लिए, तो बाहर निकल गए। अभी कुछ ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे, देख लेते हैं कहाँ, अगर कहीं कुछ अच्छा मिलता है तो बढ़िया, नहीं तो अब मेरे पास तो सब कुछ है, हम लोगों के पास जो व्यवस्था होता है वो लगाएंगे कहीं जुगाड़ माउंटेन का साइड में रुक के, फिर खा लेंगे। तो हम लोग अभी रुक गए रास्ते पे अभी कुछ खाने के लिए ब्रेकफास्ट, क्योंकि सुबह नहीं हुआ था। और आप लोग चेक कर सकते हो मेरा पीछे का नज़ारा भाई, क्या लुक्स है। ये है रिवर तीस्ता, जो कि लाचेन और लाचुन मिला के होता है, लाचेन रिवर और लाचुन रिवर मिला के होता है भाई, तीस्ता रिवर। क्या मस्त नज़ारा है, आप लोग भी देख सकते हो। और यहाँ बन रहा है ब्रेकफास्ट, एक बार बन जाए उसके बाद आप लोगों को दिखा देते हैं हम कि क्या बन रहा है। इसका हालत आप देख सकते हो क्या है, बिना खाए बैठिए तब से। और वो आप देख सकते हो नज़ारा भाई, क्या मस्त नज़ारा है इधर का। ये सिक्किम का मेन रोड, जो कि सिलीगुड़ी से सिक्किम कनेक्ट होता है, और पूरा फॉरेस्ट है और पहाड़ों के बीच भी चल रहा है। ये खड़ी है हमारी गाड़ी। क्या है ना कि ट्रिप सिर्फ रोड ट्रिप्स और मतलब कहीं घूमने जाना, उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं है भाई, मज़ा इस सब चीज़ में है। कहीं रुको, रुक के खाना खाओ बनाओ। और इधर जो सीन दिख रहा है आपको, देख सकते हो आप, बहुत मस्त है भाई। इसी में अल्टीमेट थ्रिल जो कहता है इसी में है। क्या है ना, फैमिली ट्रिप तो बहुत कम करते हैं वैसे, दोस्तों वगैरह के साथ अपने अकेला इधर उधर घूमना ये कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। ऐसा खाना बनाना और बीच रोड में कहीं करना, ये सब फैमिली टूर में पॉसिबल होता है, क्योंकि भाई दोस्त लोग के साथ जाते हैं तो ये होता नहीं। कहीं होटल्स में खा लेते हैं, कहीं खाना खा लेते हैं, कहीं रुक जाते हैं, तो वही होता है। तो ये कुछ अलग है, कुछ अलग एक्सपीरियंस है, अच्छा लगा। और ये बनना स्टार्ट हो गया बस। सारा जुगाड़ भाई यही है लग रहा है, किचन आ गया इधर पहाड़ों में। ये इसका ब्रेकफास्ट, और वो बन गया उधर ऑमलेट, इधर बन रहा है भाई चिकन नगेट। अलग ही एक्सपीरियंस भाई, इधर पहाड़ों में आके
रोड साइड में सारे खाने बन रहे हैं इधर देख लो आप। वो बोल रही है इसको लेने के लिए कैमरा मैन। क्या है ना, ऐसे तो वो निकलती नहीं है और अभी ज़्यादा ही एक्साइटेड है कुछ बाहर निकल के, मतलब इतना दूर आके ये सब चीज़ वो ज़िंदगी में पहली बार अपना एक्सपीरियंस कर रही है, उसको भी बहुत अच्छी लग रही है। बाकी यहाँ फ्लड का वजह से ये ना तीस्ता बहुत सारा, मतलब ये जो पानी है आपको दिख रहा है ये बहुत गंदा हो गया अभी, क्योंकि आप लोगों को हम कल बताए थे कि फ्लड्स हुआ करीब करीब एक साल पहले, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम्स भी आ गया है। और ये हो गया हम लोग का ब्रेकफास्ट रेडी, आप देख सकते हो ये भी अपना खाना खा रही है। रेडी हो जाने के बाद अभी ये खाना यहाँ से कंप्लीट करके सारा कुछ पैकिंग करके फिर भाई निकलेंगे यहाँ से। और अभी हम लोग जाने वाले हैं लामा हटा, जो कि पड़ता है दार्जिलिंग में, और वो जगह ना थोड़ा सा ऑफबीट है लेकिन बहुत मस्त है, आप लोगों को दिख जाएगा कुछ देर बाद में। रास्ता भी लगता है शायद क्लियर ही होगा, उतना कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो चलते हैं उधर और जाके देखते हैं कि कैसा है वो प्लेस। और ये हम एंटर कर रहे हैं भाई रास्ते पे, आप एक बार देख लो कितना हाइट है, गाड़ी ना एक नंबर पे खींचना पड़ रहा है मेरे को। और ये रही व्यू भाई, ये रही सीन लामाहाटा वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग का, करते हो पीछे वो नीचे रहेगा तीस्ता, और पहाड़ एक बार देख लो भाई मेरे पीछे, वो है रास्ता, यहाँ रुक गया गाड़ी, क्या सीन है भाई चेक कर लो एक बार, देख रहे हो गजब गजब। और ये आ गए हम एकदम हिल टॉप पे, वो नीचे रहा तीस्ता और ये पूरा माउंटेन्स, अभी चलना है इस रोड पे। होटल्स तक तो पहुंच जाएंगे, अभी रास्ता दिखा रहा है 8.5 किलोमीटर्स, जो कि लगने वाला है 27 मिनट, और उसके बाद ही हम पहुंच जाएंगे होटल्स पे। ये है भाई रोड कंडीशन, इतना टॉप में और ऐसी जगह, आप एक बार रोड चेक कर लो क्या हालत है भाई इसका। अभी भी 7 किलोमीटर हम लोग को चलना है, 7 किलोमीटर रास्ता भाई दिखा रहा है 22 मिनट, समझ रहे हो आप। ये भाई चाय पत्ती का बगान, आप देख सकते हो कितना बड़ा है। हाँ, और इधर आपको मतलब डायरेक्ट टी तो नहीं मिलेगा, यहाँ पे फर्म होता है। हाँ, इस साइड भी एक देख सकते हो आप, इस साइड भी बहुत सुंदर व्यू है भाई, बहुत बढ़िया। वो पूरा पहाड़ जो आप लोगों को दिख रहा है ना, वो सिक्किम और गैंगटॉक है, और ये जो पहाड़ आ गया ये दार्जिलिंग में आ गया पूरा, आप देख सकते हो इधर पूरा भरा हुआ है चाय पत्ती का बगान से। ये पूरा टी फॉरेस्ट का व्यू आप देख सकते हो भाई, क्या मस्त व्यू है टी फॉरेस्ट का। वहाँ काम चल रहा है। तो भाई फिलहाल हम पहुंच गए लामाहाटा का हम लोग का होम स्टे में, आप देख सकते हो इधर क्या मस्त नज़ारा है, और इधर का गाड़ी भी लग गया उधर पार्किंग में, और वो रहा हमारा रूम, आप देख सकते हो यहाँ बंगलोज में आज रहने वाले हैं। ऊपर चल के एक बार आप लोगों को हम रूम दिखा देते, ये हम लोग का लंच और डिनर का प्लेस, किचन भी उस साइड में है, और ये यहाँ का पूरा व्यू,
क्या मस्त नज़ारा है भाई। तो आज रहेगा ये हेरिटेज बंगलो में हम लोग का स्टे, उसके बाद फिर कल देखते हैं कौन सा ऑर्बिट प्लेस में जाते हैं। आप एक बार व्यू फिर से चेक कर लो, ये व्यू में आज रहने वाले हैं, कल सुबह भी यहाँ हम लोग रहेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से कहीं दूसरा कहीं चलेंगे। और आज का वीडियो तो यहीं तक है, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। गुड बाय।